अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने डोकोमो मोबाइल फ़ोन में किस तरह अपना सिम जो है ना ओपन कर सकते हो विदाउट ETA टैक्स का। ये देखो, ये मेरे पास शार्प एक्वस R3 का मोबाइल फ़ोन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है एक्वस R3 का, एंड्रॉयड 11 वर्जन में है, जो कि 1 मार्च 2021 सिक्योरिटी में। और इसमें मैंने लगाया हुआ है टेलनार का सिम। अभी फ़िलहाल ये जो है ना बिल्कुल बंद है, नो सर्विस टेलनार, अननोन, डिसकनेक्टेड, आउट ऑफ सर्विस वगैरह वगैरह सब कुछ। तो चलो आपको दिखाते हैं। वीडियो को ज़्यादातर जो है ना लॉन्ग नहीं करना चाहता, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो, आपके फ़ायदे के लिए जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो, फ़िलहाल इसके साथ आपने ये करना है कि आप जाइए, सबसे पहले आप जाइए सेटिंग में, शुरू से बताऊँ, सेटिंग में जाइए, फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाइए, फिर उसके बाद जो है ना मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद आपने प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप हो, जहाँ से 3G एंड 4G में जो है ना मोबाइल कन्वर्ट होता है, वहाँ पे जाइए। ये देखो, यहाँ पे आपने मोबाइल फ़ोन को करना है मुकम्मल 3G पर। ये देखो, अभी तक सिग्नल नहीं है ना, तो 3G एंड GSM करना है। फिर उसके बाद डायरेक्टली आपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। मोबाइल को रीस्टार्ट करने के बाद ये देखो, चलो देखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हासिल हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नया चैनल है, अभी तक जो है ना तकरीबन 17 सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हासिल हो, अगर आपको फ़ायदा मिल जाए, तो आप ज़रूर मेरा मदद इसी तरह करना, अगर मेरी वीडियो से आपको मदद मिले ना, क्योंकि अगर मैंने आपकी मदद की तो आप मेरा मदद ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं आपसे ये तवक्को रखना चाहता हूँ। ये देखो, अब ये रिस्टार्ट हो जाएगा, देखते हैं इसमें सिम वर्क करता है या नहीं करता। ये देखो, कोई एडिटिंग वगैरह मैंने नहीं की, 3G आ गया। चलो देखते हैं इसको 4G में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, मोबाइल नेटवर्क या फिर आइए प्रेफर नेटवर्क 4G। चलो कन्वर्ट हो जाओ। ये देखो, नस्वर खान का मोबाइल कन्वर्ट हो गया। आप जो है ना, आप इसमें कोई भी ऐप वगैरह जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट चल रहा है, 9KB वगैरह वगैरह जो है ना चल रहा है। इस मोबाइल फ़ोन में मैंने अभी तक पैकेज नहीं की ना। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जो है ना मदद हासिल हो, तो आप मेरा मदद ज़रूर कर लेना, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आएगी, जितना भी मुझे मालूमात होगी, मैं आपके पास जो है ना वो शेयर करूँगा, और आपको वो इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल लाजमी करूँगा इंशाल्लाह। और ये देखो, ये शार्प एक्वस R3 मोबाइल फ़ोन है, Type-C कनेक्टिविटी ये है, इसमें जो है ना वाइड एंगल भी है। चलो आपको थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं। यार कैमरा रिज़ल्ट अगर इसकी बात की, जो आईफोन का आता है अपर्चर 1.8 और इसकी आई है 1.7, काफ़ी अच्छी लेंस लगाई हुई है IMX सोनी का। और ये देखो, ये वाइड एंगल वाइड एंगल है, ये देख सकते हो, अब पूरा प्लांट नज़र आने लगा, देखिए। और ये जो है ना फास्ट वीडियो भी जो है ना वो सपोर्ट करता है। ये देखो, स्लो मोशन का वीडियो भी बना सकता है, तकरीबन कितने तक बनाता है देखते, स्लो मोशन 240 FPS तक ये वीडियो बना सकता है। और इसकी रैम रोम स्टोरेज ये देखो, 128 GB स्टोरेज है और 6 GB का रैम आता है। फ्रंट कैमरा जो है ना उसकी, इस मोबाइल फ़ोन की 16 MP है। और बाकी क्या रिव्यू करूँ यार, ये फिंगरप्रिंट है डबल नॉच का, एक नॉच ये है
एक नाच यहाँ पे आते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी है। प्रो एक्सो जो है ना, इसमें आता है डिस्प्ले, इंडियम गैलियम जिंक ऑक्साइड जो कि जापान का अपना मैन्युफैक्चर प्लांट है इस डिस्प्ले का, और काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स वगैरह जो है ना आपको देखने को मिलेंगे इस मोबाइल फ़ोन में। एक बस यूज़फुल हाई स्पीड डिस्प्ले, ये आपको यहाँ पे जो है ना दिख रहा होगा, हाई स्पीड डिस्प्ले रिड्यूस इमेज लैग्स फॉर फास्ट मूविंग इमेजेस एंड एप्स, रिच कलर टेक्नोलॉजी, ये भी एक रिच कलर टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन है। अगर आप मोबाइल फ़ोन को सनलाइट में लेना लाओगे, अगर आप आउटडोर आओगे तो सनलाइट को ये डिटेक्ट करेगा अपने सेंसर के ज़रिए, फिर आपको ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है और स्क्रीन का जितना भी रेशियो है ब्राइटनेस है वो ज़्यादा करेगा।